ओवरसाइट कमेटी के सामने आपने जो कहना था कह दिया, उसका इंतजार आपने नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। कल मैं इनके बयान सुन रहा था, अपने बयान में कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो भैया दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमारी बात पर भरोसा नहीं है। जो तथ्य हैं, प्रूफ हैं, आपके फोटोग्राफ हैं हमारे साथ, आपके शादी के फोटोग्राफ हैं, मेरी फैमिली के साथ आपके फोटोग्राफ हैं, मेरी रिश्तेदारी में आप गई हैं मेरे फोटोग्राफ हैं, मेरे बच्चों के साथ आपके फोटोग्राफ हैं, आपके घर में गया हूँ उस फोटोग्राफ है। आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे? केवल अब तक केवल मेरे ऊपर थे, केवल मेरे को कर रहे थे। अब आपके मन से नारा लग रहा है, अब आज कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो कौन हाथ जोड़ करके अपील किया था अभी 3 दिन? सुन लीजिए मेरी बात साहब, मेरी भी बात सुनिए पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन। 3-4 दिन पहले इन्होंने हाथ जोड़ करके अपील किया कि देश के सारे प्रेसलर सबको मैं आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी एक भूल थी कि जो मैंने राजनीतिक दलों को मना किया था, मेरी एक भूल थी। और उन्होंने अपील की, लोग आए और उसी मंच से नारा लगता है, हमारे मोदी जी के खिलाफ नारा लगता है कि मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तोड़े टुकड़े होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, और योगी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज ये मंच क्या है? ये क्या मंच खिलाड़ियों का है? ये खिलाड़ियों का मंच नहीं है। और मेरे ये शुरू से सियासी है, ये शुरू से सियासत चल रही है, ये पहले दिन से सियासत चल रही है, फर्स्ट डे से सियासत चल रही है। इनको अगर मुझसे तकलीफ होती तो एक सप्ताह पहले मुझसे मिलने ना आते। सारे खिलाड़ी आए हैं, और किस लिए आए ये भी बता सकता हूँ कि सर मेरा कैंप में नाम डाल दीजिएगा, सर मुझे ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। मैंने सबसे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक एप्लीकेशन आप भेज दो, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। एक कारोबारी है, बाबा है, और कुछ लोग हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिससे मैं सब कुछ देख लूं। लेकिन एक सवाल उठता है कि कपिल सिब्बल की फीस जो है 50 लाख रुपया है, और पर हेयरिंग की आप देखिए पैसा क्या लगता है कि नहीं लगता है। आंदोलन में वहां कम से कम दिन भर का खर्च 1000 रुपया, 2000, 4000, 10000, 20000 होगा। ये कैसे चलता है? इसके पीछे लोग हैं, कारोबारी हैं, और जो हमारे विरोध में भी हैं, हमारे सरकार के विरोध में भी हैं।